तो क्या हाल है भाइयों, फाइनली रैंडम रोज का पार्ट 3 भी आ गया। अब रैंडम रोज का मैं पार्ट 1 और 2 भी बनाते हूँ, तो जिसने वो नहीं देखा पहले वो देख लेना जाके। और जिनको नहीं पता मैं रैंडम रोज में क्या करता हूँ उनको जरा शॉर्ट में बता देता हूँ। तो जो मैंने पार्ट 1 और 2 में किया था ना वही करता हूँ, तो जिसने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा ना पहले वो देख लेना जाके। और इससे पहले तुम जाके कमेंट करो, मुझे पता है कि वीडियो लेट आई है। एक तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहला कमेंट यही आता है कि भाई वीडियो लेट आई है। अब ये वीडियो आ गई है पहले उसके लिए अप्रिशिएट ही कर दिया करो, लेकिन नहीं तुम तो रूठी हुई बेगम की तरह शिकायतें लेके आ जाते हो पहले। तो आज बता ही देता हूँ कि मेरी वीडियो लेट क्यों आती है। तो सबसे पहला रीजन तो यही है भाई कि मेरे मसले ही नहीं खत्म हो गए थे, तो मैंने सब कुछ करके देख लिया भाई। और खैर अब तो मैंने भी मान लिया कि मैं ही पनौती हूँ, तो मसले तो मेरे चलते ही रहते हैं, उसकी तो खैर आदत हो गई अब। और दूसरा, मैं कौन सा बाकी यूट्यूबर्स की तरह दूसरों का कंटेंट चोरी करके बना रहा हूँ जो रोज रोज बनाता रहूंगा। हाँ, आजकल जिस यूट्यूबर को देख रहा हूँ भले नया हो या पुराना, ज्यादातर हर कोई एक दूसरे का छाप छाप के कुछ ना कुछ बना रहा है। और बाकी रोस्टर्स के चैनल में जाके देखो, सबने अपने थंबनेल में या तो लड़कियों की पिक्चर दादी नंगी करके लगाई हुई होती है, या तो जो बंदा ट्रेंड में चल रहा होता है उसकी बड़ी बड़ी पिक्चर अपने थंबनेल में लगा के उससे व्यूज ले रहे होते हैं। और उनकी खुद की पिक्चर होती नहीं थंबनेल में, खुद की छोटी थी बराबर पिक्चर कहीं थंबनेल के साइड पे लगा देंगे, क्योंकि इनको पता है कि इनके पिक्चर पे थोड़ी आएंगे व्यूज। बंदा परेशान हो जाता है कि कौन किसके चैनल पे जाके किसकी वीडियो देख रहा है, समझ में ही नहीं आता। और मेरे चैनल पे जाके देखो तो मैं हर थंबनेल में सिर्फ मेरी पिक्चर मिलेगी, दूसरों के नाम पे व्यूज लेने वाली हरकतें नहीं होती भाई मुझसे। अपना खुद का कंटेंट लिखता हूं तभी इतना टाइम लगता है मुझे। मेरे चैनल के थंबनेल में ही मैं ही हूं, वीडियो में ही मैं ही, और मेरी वीडियो रात को देख के सोचा तो तुम्हारे ख्वाब में आके गालियां भी तुम्हें मैं ही देके जाऊंगा, टेंशन नहीं लो। और वैसे भी इधर रोस्टर बचे ही गए, सब अपना कंटेंट छोड़ के यहां तो ब्लॉगिंग में लग गए, यहां तो पॉडकास्ट में लग गए, यहां तो टिकटॉक बना रहे हैं, और कुछ ने तो स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू कर दिया। और ये बेचारे स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे क्या कर रहे हैं इनको खुद को समझ भी नहीं आ रहा। हाँ, इनकी स्टैंड अप कॉमेडी देख के व्हील चेयर पे बैठा बंदा भी स्टैंड अप करके अपने घर चला जाए। और वैसे बात तो मेरी वीडियो लेट बनाने की हो रही थी, ये बाकी यूट्यूबर्स को क्यों पेल दिया मैंने। और यूट्यूबर से याद आए, एक तो जिस नए बंदे को पता चलता है कि मैं यूट्यूबर हूँ तो वो सबसे पहले मुझसे दुनिया का सबसे घटिया सवाल पूछता है कि भाई चैनल मोनेटाइज हो गया तुम्हारा, यूट्यूब से कितने पैसे कमाते हो। अभी सबसे जहर सवाल लगता है ये, इनकी सोच पैसों से आगे बढ़ती नहीं, तभी तो ये अपना पूरा खानदान बेचने के लिए तैयार होते हैं यूट्यूब पे। इनको लगता है कि हर कोई सिर्फ पैसे कमाने के लिए आता है यूट्यूब पे, और मैं लिख के दे सकता हूँ कि हर यूट्यूबर परेशान होगा सवाल की वजह से। और बाकी यूट्यूबर्स का तो नहीं पता, लेकिन भाई मैंने तो आज तक एक रुपया भी नहीं कमाया अपने यूट्यूब चैनल से। चैनल तो मेरा 2 साल पहले ही मोनेटाइज हो गया था, लेकिन अभी तक 100 डॉलर भी पूरे नहीं हुए इसमें, और ना ही कोई विड्रॉ है, और ना ही मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह ये 2 नंबर बेटिंग वाली, ट्रेडिंग वाली या गैम्बलिंग वाली, जुआरियों वाली चीजें प्रमोट करता हूँ। जाके देख लो यूट्यूब पे मेरी कोई भी वीडियो में कोई स्पॉन्सर नजर नहीं आएगा, क्योंकि इधर ज्यादातर सारे 2 नंबर चीजों वाले आते हैं अपनी प्रमोशन करवाने के लिए। और यूट्यूब पे पाकिस्तानी ऑडियंस में आरपीएम ही इतना कम मिलता है कि अगर लाखों व्यूज भी आ जाए ना उससे भी कोई इतनी खास अर्निंग नहीं होती। पता नहीं ये कौन हैं जो यूट्यूब को अर्निंग की नजर से देख रहे हैं भाई, अगर इधर अर्निंग करनी है ना तो वही बगड़तियां करनी पड़ेंगी, यहाँ तो दूसरों का कंटेंट चुराना पड़ेगा, और अगर इज्जत से कमाना है ना तो वेट करना पड़ेगा जब तक तुम इधर एक अच्छे लेवल पे ना आ जाओ, तभी तो अर्निंग का सोर्स ही अलग रखा हुआ है मैंने। अर्निंग के लिए मैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करता हूँ, उससे मेरा गुजारा हो जाता है, यूट्यूब से कमाने की जरूरत ही नहीं मुझे, तभी तो आपका भाई टेंशन फ्री होकर बनाते हैं इधर वीडियोस। और मैं वैसे भी वीडियोस में सच इतना बोलता हूँ कि मेरी आधी वीडियोस मोनेटाइज ही नहीं होती यूट्यूब पे, वो पीला साइन आ जाता है मेरी आधी वीडियोस पे। और मुझे पता है मैंने जिस दिन यूट्यूब को अर्निंग की नजर से देखना शुरू कर दिया ना, मैं भी तुम्हें वही बगड़तियां करता नजर आऊंगा जो बाकी सब कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यूट्यूब और अपनी एंडिंग को दोनों को अलग अलग रखा हुआ है। तो भाई अभी नहीं पूछना मुझसे कि यूट्यूब से कितने पैसे कमाते हो। और बगैड़तियों वाली हरकत तो उसे याद है, ये के इलेक्ट्रिक वालों के अंदर कौन सा कीड़ा आ जाता है गर्मियों में, वैसे तो उधर लाइट जाती नहीं लेकिन गर्मियों में इनके रोज कोई ना कोई फॉल्ट हो रहे होते हैं, कभी पीएमडी बढ़ जाता है, कभी इनकी बढ़ जाती है और लाइट चली जाती है बिना वजह, और तुम इनकी बाजी का रिश्ता लेके बैठे हो तो गर्मी में और तुम कुछ कर भी नहीं सकते। और जब गर्मियों में बिना पता लाइट चली जाती है और एसी और पंखा दोनों बंद हो जाते हैं तो तुम्हारी जान बचाने के लिए सिर्फ एक ही वेपन काम आता है, वो ये गत्ता। फिर तुम्हें इस गत्ते की सही कीमत पता चलती है और तुम गर्मी में नंगे बैठे हुए इस वेपन से अपनी जान बचा रहे होते हो। हाँ, बड़े काम की चीज है, अब ऐसा ना हो कि इसके भी वैल्यू बढ़ जाए और ये भी महंगी के मार्केट में बिकना शुरू हो जाए। अब मुझे कमेंट करके बता देना कि कौन कौन इस वेपन का यूज करता है। और गर्मियों से याद आया, अभी कुछ दिन पहले ही गया था मैं पिकनिक पे, और जैसे ही मैंने पिकनिक की पिक्चर अपलोड करी सब कुछ हो गया कि वाह भाई अब तो पिकनिक पे गए, मतलब पिकनिक के ऊपर कोई ना कोई वीडियो आने वाली है। अभी जरूरी थोड़ी है कि हर बार मेरे साथ पिकनिक पे कोई ना कोई बात हो और उस पर वीडियो बनाऊं मैं, इस बार गांडू लोगों के साथ उड़ी गया था मैं पिकनिक पे, टेंशन नहीं लो इस बार कुछ भी नहीं हो ऐसा। और वहां एक तो जो भी मुझसे मिल रहा था वो सब यही बोल रहे थे कि भाई एक वीडियो तो एक वाटर पार्क पे भी बनाना। अभी वाटर पार्क पे कौन वीडियो बनाते यार, वाटर पार्क पे कैसे बनाऊं मैं वीडियो। खैर वाटर पार्क से याद आया, ये वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क वालों, तुम लोग क्या अपना सारा पैसा एड्स और प्रमोशन में खर्च कर देते हो, क्योंकि तुम लोग के पूल में पानी तो होता नहीं। हाँ साला, मैं जिस भी पूल में जा रहा इधर सिर्फ तक पानी आ रहा है, इससे ऊपर आ ही नहीं रहा कोई पानी। फिर इतनी मुश्किल से जाके एक पूल मिला उसमें भी सिर्फ इतना पेट तक पानी आ रहा है, इतने से पानी में क्या करूंगा मैं। नहीं, अब अगर किसी को स्विमिंग करनी हो या तो डूबकी मरना हो तो वो बेचारा क्या करेगा तुम्हारे वाटर पार्क में आके। और इनकी स्लाइड्स में साला इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी जैसे पता नहीं फ्री का राशन बांट रहे हैं ये लोग। सालों ये एड्स में पैसे फूकना बंद करो और अपनी मैनेजमेंट ठीक करो पहले जाके। और ये पता नहीं कौन से ब्लॉगर्स होते हैं जो इनके वाटर पार्क में जाके ऐसी झूठी झूठी तारीफें कर रहे होते हैं इनकी, यहाँ तो पता नहीं ये वाइल्ड वेंचर वाले इनकी गांड सलाते हैं तभी इतनी तारीफें करते हैं, पता नहीं समझ में नहीं आता। बल्कि नहीं, इन ब्लॉगर्स को वैसे ही आदत हो गई
होगी हर जगह जाके उठाने की, भले वो जगह जितनी भी चुटिया भी क्यों, लेकिन व्यूज के लिए लोग ऐसे ऐसे झूठ बोल लेंगे जैसे पता नहीं इनकी बाजी का रिश्ता गया हुआ होता। खैर वाइल्ड वेंचर वालों को टैग करके बोल देना कि अपने एड्स में पैसे बुकना बंद करो और पहले जाके पानी डलवाओ अपने पूल में, सारा से ऊपर तक तो आता नहीं तुम लोग का पानी। खैर आराम के पैसों से याद है कि पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा दो नंबर काम चल रहा है ना वो है कॉल सेंटर का। इधर हर नल्ला दो कंप्यूटर लेके रेंट पे कमरा लेके कॉल सेंटर खोल के बैठा हुआ है, और बद्दुआ तो बेचारे उन लोगों पे जो ये कॉल सेंटर में जॉब करते हैं। इनको एक ही स्क्रिप्ट बार बार बोलने की इतनी आदत हो जाती है कि इनके दिमाग में सिर्फ वही चलती रहती है, रात को इनके ख्वाब में भी वही स्क्रिप्ट चल रही होती है। हाँ मेरा एक दोस्तों बेचारा इतना पागल हो गया था कि पबजी खेलते हुए वही स्क्रिप्ट बोल रहा होता था, और ये जितने भी कॉल सेंटर वाले चौड़े में बोल रहे होते हैं कि भाई हम तो बड़ा हलाल काम कर रहे हैं, अबे वालों कॉल मिलाते जो तुम अपनी पहली चीज अपना नाम बता दे वही झूठ बता दे तो ये चीज हलाल कैसे हो गई जरा ये बताओ। कॉल करके ये अपना नाम अपनी कंपनी सब कुछ झूठ बताते हैं, फिर उनकी पेमेंट की डिटेल लेके उनको झूठ बोलते हैं कि तुम्हारी पेमेंट यहाँ पे चार्ज करवाएंगे लेकिन वो अपने अकाउंट में चार्ज करवाते हैं, और फिर ये सारी दो नंबरियां करके बोल रहे हैं कि भाई हम तो कॉल सेंटर चला रहे हैं हलाल काम कर रहे हैं। अबे हलाल काम कर रहा है तो कॉल करके सच बताया करें ना कि अशमतुल्ला नाम है मेरा, कराची में रेंट पे जगह लेके दो कंप्यूटर रख के बैठा हुआ हूँ, और तुझसे पेमेंट की डिटेल लेके किसी कंपनी में नहीं बल्कि अपने अकाउंट में चार्ज करूंगा मैं, और फिर देखना कि वो कैसे अपनी गालियों की स्क्रिप्ट सुनाते हैं तुम्हें। फिर वो स्क्रिप्ट सुन के ना तुम्हारी सारी स्क्रिप्ट तुम्हारी गांव से बाहर निकल जाएगी। और ये दो नंबर काम सालों से चल रहा है, मैं लिख के दे सकता हूँ कि तुम्हारा कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त जरूर होगा जो कॉल सेंटर खोल के बैठा होगा या तो कॉल सेंटर में जॉब करता होगा, और इनके बेचारे घर वालों को तो पता ही नहीं होता कॉल सेंटर क्या होता है, वो मजे से प्राउड से सबको बता रहे होते हैं कि हमारा बेटा तो कॉल सेंटर में काम कर रहा है। अभी उनको जाके इनकी असलियत बताओ, उसके बाद देखना अपना बेटा मानने से भी इनकार कर देंगे इनको। और इधर एक दूसरा काम भी आजकल बहुत चल रहा है सॉफ्टवेयर हाउस वाला, जहाँ पे ये लोग ट्विटर डिस्कॉर्ड और किक पे जाके स्ट्रीमर से भीख मांग रहे होते हैं कि भाई हमसे अपना लोगो या स्ट्रीम बैनर्स वगैरह बनवा लो, फिर उनको नेट से उठा के कोई पोर्टफोलियो वगैरह दिखाते हैं और जैसे वो लोग एडवांस पेमेंट भेजते हैं तो उनको ब्लॉक करके बैठ जाते हैं, और फिर चौड़े में जाके सबको बता रहे होते हैं कि भाई हम तो सॉफ्टवेयर हाउस खोल के बैठे हुए हैं। अब ये सारी डिटेल्स मुझे इसलिए बताई क्योंकि मेरे खुद के 70% दोस्त ये कॉल सेंटर और ये सॉफ्टवेयर हाउस खोल के बैठे हुए हैं, और मेरे पास रोज कोई ना कोई ऑफर लेकर आते हैं कि भाई तू भी हमारे साथ आजा मिलकर ये काम करते हैं। अबे क्यों आजा, लेके सुकून से हलाल कमाता वो अच्छा नहीं लग रहा क्या हमें। और फिर आते हैं YouTube शॉर्ट्स वाले कंटेंट चोर, एक तो ये रोज कोई ना कोई नया तरीका ढूंढते रहते हैं दूसरों का कंटेंट चोरी करने का। आजकल एक नया तरीका चल रहा है मार्केट में कि किसी की भी शॉर्ट वीडियो उठा के अपना बराबर सा मुंह यहाँ पे करके लगा दो और फिर कुत्ते ऐसी शक्लें बनाते रहो और बन गया तुम्हारा कंटेंट, और इसको एक नाम भी दे दिए लोग ने। अगर इनसे पूछे ना कि भाई ये क्या बोलिए तो बोलते हैं कि भाई हम तो रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं। अबे ये पूरी वीडियो तो मेरी चल रही है, तूने जान बराबर अपना फेस लगा के बहुत बड़ा एहसान कर दिया मेरे पे। हाँ मैंने अपनी खुद की 3-4 वीडियो देखी जिसमें यहाँ पे किसी ने मुंह लगाया हुआ अपना, साला आप लगा के दिखाओ यहाँ पे अपना मुंह, यहीं से अपना उजार निकाल के इनके मुंह में डालूंगा मैं। फिर उसको जाके बोलने रिएक्शन वीडियो, हजार बार बोल चुका हूँ कि इज्जत से इजाजत लेके यहाँ क्रेडिट लगा के डाल दो जहाँ लगानी है वीडियो, तुम भले अपनी माँ की दूसरी शादी करवाओ वहाँ पे एंट्रेंस में मेरी वीडियो लगा दो भाई मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन नहीं, इनको तो बस कोई ना कोई नया तरीका ढूंढना है कंटेंट चोरी करके अपने नाम से चलाने का। एक बंदा तो मुझे मिलके बोल रहा है कि भाई मैं तो तेरी रोज वीडियो देखता हूँ जो तू रोज अपनी वीडियो डालते फेसबुक पे। मैं परेशान हो गया कि जो रोज वीडियो तो मैं अपनी कहीं पे भी नहीं डालता, तो बोल रहा कि नहीं भाई तू तो फेसबुक पे डालता है, मैं फेसबुक पे देखता हूँ और फेसबुक पे तो मेरा कोई पेज भी नहीं है, ये पता नहीं कहाँ देख रहा है, पता नहीं या तो वो नशे में था या तो मैं ही नशे में घूम रहा हूँ। तो बस भाई अभी के लिए इतना ही, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी और इस टाइप की और वीडियोस देखने किसी और टॉपिक्स पे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और घंटा दबा देना यूट्यूब पे, बाकी मिलते हैं फिर।